हाँ तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कराने वाला हूँ मैं। तो देखिए लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव, और बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। और देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उस समय से मिलते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस फ्यूचर की सीरीज को पूरा खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद में हम मॉडल सेंटेंस भी कराएंगे, और आज इस वीडियो को पूरी फिनिश करवा देता हूँ मैं। और इसका रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनडी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम। देखो मैंने इंडिफिनिटिव प्रेजेंट में भी बता चुका हूँ कि सिंस निश्चित समय में और अनिश्चित समय में लगता है। और देखो विल हैव बीन सब में लगता है और शैल हैव बीन लगता है ओनली बी के साथ में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका अफर्मेटिव का रूल तो ये है, अगर इसका नेगेटिव का रूल हो जाएगा तो तीसरे स्थान पर नोट आ जाती है और हैव बीन आगे सर जाता है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चे बच्चे खेल बच्चे दो घंटे से खेल रहे होंगे। देखो समय आता है इसमें, लिखा है इसमें समय से मिलते हैं। तो बच्चे दो घंटे से खेल रहे होंगे, तो देखो बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या हो गया चिल्ड्रन। अब विल हैव बीन आएगा या शैल हैव बीन, तो विल हैव बीन नहीं आएगा, शैल हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि शैल हैव बीन ओनली बी के साथ में आता है और सब में लगाते हैं हम विल हैव बीन। तो लिख देंगे इस वाली कंडीशन को, लिख देंगे विल हैव बीन। अब मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो मेन वर्ब है इसमें खेलना तो प्ले, और प्ले में आईएनजी तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, फुटबॉल क्रिकेट या वॉलीबॉल जो भी, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है। अब कब से खेल रहे हैं, दो घंटे कौन सी है पता नहीं है, और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ उसको कि अनिश्चित समय में आते हैं ये, अनिश्चित समय यानी कि 4 आएगा, तो लिख देंगे 4 और 2 आवर्स। ठीक है बन गया, आवर्स में तो घंटा हुए घंटे। अब देखो इसको हमने बनाया है अभी अफर्मेटिव की कंडीशन में। अगर अफर्मेटिव के अलावा इसको नेगेटिव में बनाते तो, अगर इसको नेगेटिव में बनाते तो तीसरे स्थान पे नोट लग जाता। कैसे बन जाता, बच्चे दो घंटे से नहीं खेल रहे होंगे तो बन जाता चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर देखो निगेटिव हो जाता तो इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या रोक के वीडियो इसको रजिस्टर में लिख लेना, तो जितो हो गया निगेटिव की कंडीशन में तीसरे स्थान पे नोट आ जाता। अगर इंटरोगेटिव होता तो, मान लो इंटरोगेटिव होता तो सबसे पहले निकाल लेती हेल्पिंग वर्ब बिल आ जाता सबसे पहले, तो कैसे बन जाता, थोड़ा रूल लिख देता हूँ मैं इसका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल आ जाता, यानी कि एच वी विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे बन जाता, मान लो यही सेंटेंस होता तो कैसे इसको बनाते हैं, देख लेते हैं इसको बना देते कैसे बनाते देख लेते हैं। कैसे बन जाता, क्या बच्चे दो घंटे से खेल रहे होंगे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, तो लिखेंगे विल चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क।
Twelve children have been playing for 2 hours. ये तो हो गया इंटरोगेटिव. नेगेटिव में कुछ नहीं है, तीसरे स्थान पर नोट लगाना है, पूरा वही का वही हो जाएगा. इंटरोगेटिव में थोड़ा चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट पहले आ गया, हैव बीन थोड़ा सा लग गया. अब इंटरोगेटिव तो जो हो गया प्लस नेगेटिव होता तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों कंडीशन में होता तो अभी बन जाता, तो अभी बन जाता इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो कैसे बनता, तो बन जाता क्या बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे, तो बन जाता विल चिल्ड्रन नॉट, और ये थोड़ा सा हो जाता फिर आ जाता है विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ठीक है, तो देखिए आज मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा करवा दिया है. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और ऐसी इंग्लिश की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और ऐसी वीडियो इंग्लिश की मैं डालता रहूँगा. अब मैं कराऊँगा इसमें एडवर्ब प्रीपोजिशन वगैरह जितनी भी ग्रामर जो रहेगी ये पूरी कराऊँगा, मैं एक एक से ही कराऊँगा. और मेरी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया खत्म हो गया है, पहले तो मैं मॉडर्न सेंटेंस कराऊँगा. धन्यवाद.